नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि योनो एप्लीकेशन, जो कि दोस्तों SBI का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर नेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप जो है योनो एप्लीकेशन को दोस्तों कैसे चला सकते हैं, कैसे उसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाना है उसके लिए, और प्ले स्टोर पर आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है योनो। दोस्तों इस तरीके से आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये एप्लीकेशन मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो दोस्तों मैं जो है इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों उसे जो है आप ओपन करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर लोकेशन अलाउ करने के लिए मांगेगा। दोस्तों मैं जो है इसे अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों मैनेज फोन कॉल्स वगैरह, इसमें आप परमिशन मांगेगा, तो इसे भी मैं अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके फ़ोन में जितनी भी सिम पड़ी हैं दोस्तों, जो कि बैंक से रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पर सिंपली आपको उस सिम को चूज़ करना है जो आपसे बैंक से रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है, या फिर जो बैंक से मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं जो है यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एक परमिशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं इसे भी अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद में हमारे फ़ोन पर एक OTP आता है, जिसके माध्यम से हमारा जो SBI का जो योनो एप्लीकेशन है वो दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में, इसके बाद में आप जो है इसमें सिंपली रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ अकाउंट नंबर डालने के बाद में अब यहाँ पर दोस्तों मैं जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों प्रोसेड पर क्लिक करना होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर मेरे मोबाइल में नेट बैंकिंग ऑन है, तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पर प्रोसेड कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद में अब आप देख सकते हैं हमारा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है, तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरल कोड भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जो है इसे सिंपली ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद में मैं जो है यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं जो है इसे सबमिट करूँगा, उसके बाद में हमारे फ़ोन पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आ जाएगा। दोस्तों वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद में आपको जो यहाँ पर MPIN सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर MPIN सेट कर सकते हैं। MPIN सेट करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं, तो उसके बाद में आप यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ओके करेंगे, उसके बाद में आपकी जो यहाँ पर योनो SBI का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो इसे आप सिंपली पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों नेक्स्ट कर देने के बाद में आपको इसे इग्नोर कर देना है। दोस्तों मैं जो है इसे इग्नोर कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं जो है इसे इग्नोर करता हूँ, दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप सिंपली साधारण तरीके से इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना अकाउंट वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो है इसमें बैक आने के बाद में दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर स्लाइड करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों योनो पे, योनो कैश, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, लोन, कार्ड, इंश्योरेंस, शॉप एंड ऑर्डर, बेस्ट ऑफर, इसमें दोस्तों आप जो है कई सारी सर्विसेज वगैरह इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है व्यू बैलेंस, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं जो है 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ। 3 डॉट पर आने के बाद में यहाँ पर जो जितने भी होम पेज पर सारी सर्विसेज देखने को मिल रही थी वो आपको यहाँ पर 3 डॉट में भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जो है चेकबुक वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो दोस्तों आपको सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होता है, जैसे दोस्तों वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर कई सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। इसमें दोस्तों आपको जो है पासवर्ड, पेंडिंग रिक्वेस्ट, अकाउंट, ATM, डेबिट कार्ड, लोन्स, टैक्स, इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर पेंशन और चेकबुक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है आप अपना ATM का जो पिन वगैरह होता है उसे भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं इसे सर्विस को ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं जो है इसे यूज अभी नहीं करूँगा। यहाँ पर आप जो है इस तरीके से आप जो है योनो SBI को यहाँ पर चला सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर योनो पे पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो भीम अकाउंट वगैरह आपको यहाँ पर शेयर करना है, जो कि दोस्तों आप फ़ोनपे या फिर आपको यहाँ पर पेटीएम वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उससे ये काफ़ी अच्छा और बेहतरीन एप्लीकेशन है ये। दोस्तों आप जो है इसके माध्यम से
आप जो है SBI क्रेडिट कार्ड, मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज, DTH रिचार्ज, फास्टैग बिल पे, और दोस्तों इसमें QR कोड स्कैन वगैरह भी इसमें कर सकते हैं, और भीम और UPI के थ्रू इसमें जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर खुद के बैंक अकाउंट में पैसे ऐड करना है या फिर ट्रांजेक्शन करना है, तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र टू ऑन अदर अकाउंट, इसमें दोस्तों आप जो है खुद के अकाउंट में और अदर अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप जो है कई सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि योनो SBI आपको कैसे चलाना है। दोस्तों इसके माध्यम से आप जो है किस तरीके से आप शॉपिंग कर सकते हैं, अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप जो है किसी को मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।